अभी बज रहे हैं सुबह के 6, लेकिन इस घड़ी में सेल डाउन होने की वजह से साइट टाइम रुक गया है। चाय पीने के बाद हाथ में दाना लेके मैं सीधा घेर की तरफ निकल दिया। घेर में पहुंचते ही मैं सबसे पहले मुर्गियों को खोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब तक मैं यहाँ की साफ सफाई करूंगा और जमुना, कम्मो, कावेरी और त्रिवेणी को सानी करूंगा, तब तक ये आराम से अपना घूम लेंगी। लेकिन ये नंगा प्राणी बार बार कैमरे के सामने क्यों आ रहा है? फाइनली घेर की साफ सफाई खत्म करने के बाद मुर्गियों और कबूतरों को दाने भी डाल दिए मैंने, ताकि जब तक मैं इनकी सानी करूंगा तब तक ये अपने दाने वाने भी चुंग लेंगे। ओहो, अब कावेरी को कौन बताए कि हर चीज में मुंह डालना अच्छी बात नहीं है। आप सबको तो पता ही है कि मेरा चारा खत्म हो चुका है और वर्सीम होने में भी अभी टाइम है, तो इन्हें सानी अभी भुसकी ही होती है और जिसे ये तभी मन से खाती हैं जब इन्हें पर्याप्त मात्रा में दाना मिले। गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों की दिनचर्या ऐसी ही होती है और शायद तभी वो ज्यादा फिट रहते हैं शहर वालों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ शहर के मुकाबले शुद्ध और ज्यादा ताजी चीजें मिलती हैं, जैसे सब्जी, दूध, दही और ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत फिजिकल, और हाँ शुद्ध हवा भी, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। चलो ये चीज बढ़िया है कि बातों बातों में यहाँ का सारा काम खत्म हो गया। जमुना, कम्मो, त्रिवेणी और कावेरी को सानी भी हो गई है और मुर्गियों ने भी लगभग अपने दाने खा ही लिए हैं और कबूतरों ने भी अपने दाने खा लिए हैं। तो जो भी भाई मेरे मिनरल मिक्सर के लिए पूछते हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा मिनरल मिक्सर भाई 23 तारीख को आएगा। मैंने 2 ऑर्डर किए थे, आपको बताया था, उनमें से एक ही रखूंगा। एक 5 किलो वाला था, वो 22 तारीख को आता, और जो 10 किलो वाला है वो 23 तारीख को डिलीवरी उसकी दिखा रहा है। तो फिर मैंने 5 किलो वाला कैंसिल कर दिया और 10 किलो वाला रहने दिया, और अभी उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा वरना मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता। वो इसलिए क्योंकि मैं उसे भाई पहली बार यूज कर रहा हूं, मुझे नहीं पता किस तरीके का प्रोडक्ट है। मैं उसे एक बार यूज करूंगा, उसके बाद देखता हूं कैसे रिजल्ट है, तब आप सबके साथ शेयर करूंगा, या देखता हूं भाई शेयर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। कल मैंने ये चीज डिसाइड की थी कि अब मैं अपनी मुर्गियों को खुला रखूंगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि भाई 4-5 दिनों से बिल्ली नहीं आ रही है। 4-5 दिनों से क्या भाई, ज्यादा ही दिनों से नहीं आ रही है। और कल जब मैं अपने डॉग्स को खाना डालने के लिए जा रहा था रात में, तो उनके बर्तन यहीं पे रखे हुए थे, तो जब मैं बर्तन उठाने के लिए आया तो भाई बिल्ली यहाँ पे बैठी बैठी इन्हें देख रही थी और अंदर घुसने की व्यवस्था कर रही होगी। तो भाई अब फिर से इनका खुलना कैंसिल। वैसे ये पहले खुले रहते थे, तो मैंने सोचा था भाई अब भी ये खुले रहेंगे, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। बट भाई बिल्ली ने आगे बता दिया कि अगर तुम इन्हें खोलोगे तो भाई इनमें से एक दो फिर से मरेंगे, तो अभी तो भाई खतरा है बिल्ली का। अभी इन्होंने भाई अंडा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ भाई, मुझे केवल एक ही अंडा मिलता है इनके घर के अंदर, बट फिर भी भाई अंडे बहुत ज्यादा कम दे रही है। बीच में तो फिर भी मुझे लग रहा था कि सही दे रही है, बट भाई कम दे रही है अंडे। और जबकि भाई इन्हें प्रॉपर बढ़िया दाने वाने सारे कुछ मिलते हैं पेट भर के। कल भाई मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरी नजर भाई त्रिवेणी पे गई और मैं त्रिवेणी को भाई ध्यान से देखने लगा। फिर मैंने भाई वो वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने त्रिवेणी को पकड़ा था। तो भाई त्रिवेणी को अपने पास 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। पहले के मुकाबले में इसकी भाई वेट में और इसकी हाइट में बहुत फर्क पड़ा है। पहली वाली इसकी मैंने वीडियो देखी कल भाई, उसमें भाई बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही है। इसके बाल भी बहुत अजीब सी लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। अभी तो देखो भाई साइनिंग सी आ गई है। और तो भाई यहाँ पर बढ़िया है, पता नहीं भाई किसने छोड़ दी, बहुत ज्यादा वीक थी, बहुत कमजोर थी, आप सबने तो वही देखा ही था। और भाई टाइम बिल्कुल पता भी नहीं चला कि कब भाई 4 महीने निकल गई। मुझे ऐसा लगता है भाई कि कल ही मैंने बांधा है इसे। क्या है, मैं तो इसे डेली देखता रहता हूँ रोज, मुझे उतना फर्क नहीं लगता है। जो भाई रोज देखेगा उससे उतना फर्क नहीं लगेगा। जब मैंने इसकी पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने इसे पकड़ा था, तब भाई मुझे बहुत फर्क लगा उसे देखने के बाद। और जो भाई नया बंदा देखेगा जिसने इसे शुरुआत में देखा है और वो अब देखेगा, तो उसे भाई फर्क साफ दिखाई देगा। पहले से भाई बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत। चलो भाई अब इन्हें लेके चलता हूँ घर। फाइनली आज का वर्कआउट हो गया है खत्म। मैंने सोचा चलो घेर में ही करता हूँ चल के, और थोड़ा बहुत आपको भाई दिखाता भी हूँ। और अब भी भाई गर्मी हो रही है, और अभी वैसे उतना कर भी नहीं रहा हूँ भाई, अभी तो रनिंग भी बंद है, गर्मी की वजह से बीच में बंद कर दी थी ना, अब भाई रनिंग भी फिर से स्टार्ट करनी है। तो अभी तो चलते हैं, इन्हें रखते हैं चल के घर पे, फिर चलते हैं भाई खेत पे, किसान वाले पे। वो भाई यार धानों में दवाई डाल रहा है, अभी मुझे बुला के गया है। ओए भाई अब तो ऐसा लग रहा है भाई ये पकना स्टार्ट भी हो गया है। बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है, बहुत ज्यादा, पहले भी पीछे भी स्लिप हो गया, यहाँ भी स्लिप हो गया, और अब भाई ये वाला धान तो पकना स्टार्ट भी हो गया है। ये देखो भाई इसके अंदर निकलते हैं चावल, जिन्हें भी भाई नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, इसके अंदर भाई निकलते हैं चावल। और एक चावल आता है भाई वो बहुत ज्यादा महंगा आता है, और उसमें भाई बहुत ज्यादा खुशबू आती है,
वो अभी तक भाई मेरे गांव के अंदर तो नहीं होता है। एक बार मेरा एक दोस्त था वो प्लान कर रहा था, क्यों किसान जी काले काले से हो रहे, जू कीड़ा लग रहा हो, कीड़ा जामे यार देख तो रहो ना, लेकिन तो जो भाई वो वाला खेत दिखाया ना उसमें भी मेडिसिन पड़नी है, क्योंकि इसमें तो भाई मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी जगह पे ये पता नहीं सूख रहा है, इसमें भी कुछ लगा हुआ है। वहां पे शुरुआत हो उससे पहले भाई वहां पर भी मेडिसिन पड़ जाए, तो भाई कल वहां पर भी मेडिसिन पड़ेगी। और इसमें भाई काफी हद तक काला सा हो गया है, तो अभी भाई इसके अंदर मेडिसिन डाल रहा है किसान। कहा बोलते किसान जा कालू कालू है, कोई नाम है जो कीड़ा वैसे जो पक सो रहा हुआ है या जामे जो कालो कालो है वहां पर लगो है, तो ये मेडिसिन बहुत जरूरी है क्योंकि ये वाला भी बहुत तेजी से फैलता है कीड़ा, ऐसा भाई सुनते हैं। अब मुझे तो भाई इतना पता नहीं है, तो 20-25 दिन में भाई ये पक जाएगा और पक के फिर ये भाई कटेगा, जो कुछ भी होगा मतलब कटेगा बटेगा। अभी भाई ये मेडिसिन डाल रहा है सारी कुछ, ताकि भाई जितना भी कीड़ा वीड़ा लगा है ना वो सारा साफ हो जाए। शुरुआत में थोड़ा वैसा लग रहा था, अब तो भाई सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। फसल का यही तो होता है, पता नहीं होता भाई शुरुआत में कैसी हो और लास्ट में आके भाई कैसी हो जाए। देखो भाई वहां पर भी थोड़ा थोड़ा काला काला सा है ना, वो भी कीड़ा ही लगा हुआ है, तो है भाई काफी जगह पे है। कोई ना भाई इस वाली मेडिसिन से खत्म हो जाएगा सारा। ये है भाई जंगली वाला चारा, बहुत से लोग खिलाते भी मैंने देखा है, वो खिलाते हैं उनकी गाय खाती भी है। यहाँ पर भाई बहुत सारा है, चारों तरफ जंगली चारा है, ये देखो भाई पूरे भाई जंगली चारा है। मैं सोच रहा था भाई पूछूंगा आप सबसे कि भाई आपकी साइड होता है या नहीं होता है, कुछ कुछ तो चारे की तरह लगता है, बट भाई देखो कितना बड़ा है भाई, अगर भाई कोई घास भी तब भी भाई बहुत बड़ी है भाई, पूरी भाई चारे की तरह ही है भाई जंगली वाला चारा सही है भाई। भाई अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने वहां पे भाई बिल्ली देखी, और ये देखो भाई गिलहरी भी चिल्ला रही है, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई घेर की साइड ना आई हो, सीधी भाग गई होगी मेरे ख्याल से इधर से कूद के। अब भाई इसने भाई फिर से आना स्टार्ट कर दिया है, भाई बहुत ज्यादा खतरा है, अगर एक भी मुर्गी खुली रहेगी गलती से तो भाई ये पकड़ लेगी। काफी सारे बच्चे ले जा चुकी है भाई, अभी तक भाई मुर्गी तो एक भी पूरी नहीं पकड़ पाई है उसने, क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, भाई बिल्कुल भी खोलता नहीं हूँ, इसलिए अगर भाई थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो भाई वो तुरंत मार देगी। और यही रीजन है भाई कबूतरों का भी सेटअप मैंने यही लगाया है, वरना मैं ऐसा सोच रहा था कि कबूतरों का सेटअप बाहर लगाऊंगा ताकि ये भाई अपनी मर्जी से फ्लाई व्लाई कर ले। पहले मेरा प्लान था भाई यहाँ पे लगाने का, फिर मैंने अंदर लगाया, क्योंकि भाई बिल्ली जब भी आती है ना यहाँ से आती है और ये यहाँ पे बैठते हैं, तो भाई बिल्ली के लिए बहुत आसान हो जाएगा इन्हें पकड़ना, भाई तुरंत झटके से पकड़ेगी, एक ही बार में लेके चली जाएगी। अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई डायरेक्ट बिल्ली नहीं जा पाएगी। अब देखो इनका घर भी लगा है, ये आराम से भाई उसमें घुस भी जाते हैं निकल भी आते हैं, तो भाई यही चीज़ है बिल्ली की वजह से मैंने बाहर नहीं लगाया था, फिर अंदर ही लगा दिया। वरना भाई मेरा प्लान था यहाँ का, मैं सोच रहा था भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, और इसमें भाई मैंने मिट्टी नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब ये सूख गया है, अब गीला नहीं है, अब धीरे धीरे करके भाई सूख जाएगा, क्योंकि अब बारिश पूरी तरीके से बंद है और अब बारिश होगी भी नहीं। सुल्तान छोड़ दो छोड़ दो, अरे ए जुई हटा, सुल्तान सुल्तान हटा, हट छोड़ दो छोड़ दो, जान दे जान दे, ए जुई हट दे हट, जान छोड़ दे छोड़ दे, अरे ए जुई हटा, सुल्तान सुल्तान हटा, छोड़ छोड़ दे छोड़ दे, जान दे जान दे, ए जुई हट दे हट दे, अरे रुकिए रुकिए यार, अरे 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 यार कचरा, कचरा